दोस्तों, YMS News 24 में आपका स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा। आज हम लोग परिवहन RTO जो NH30 नेशनल 30 हाईवे है, जो इलाहाबाद से और रीवा तक जाती है, तो उस पर हमारे माननीय श्री राम सखा गहरी जी हैं, जो अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि किस तरीक़ों से इधर RTO वालों ने टाटा वालों के साथ मिलकर, जो यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही उनके साथ मिलकर किस तरह से यहाँ की पब्लिक को एक नकारा जा रहा है, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बीच में महोदय जी बैठे हैं, आइए इनका विचार जानते हैं क्या है, किस तरीके से। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी एवं माननीय परिवहन राज्य परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य पर अवगत कराना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रयागराज से नेशनल 30 पर, जो कि चाकघाट से रीवा तक जाती है, एक भी सरकारी बसें नहीं चलाई जाती, जबकि इसी इलाहाबाद जिले में बनारस रोड पर प्रयागराज से लाल गोपालगंज तक, करछना रोड पर न्यू शांतिपुरम से रेमंड नैनी तक एवं भरवारी कौसाम्बी रोड पर त्रिवेणीपुरम से पूरा मुक्ति तक, बांदा रोड पर बैरहना से शंकरगढ़ तक एवं प्रतापगढ़ रोड पर सिविल लाइन से प्रतापपुर तक हर जगह सरकारी बसें चलती हैं, लेकिन प्रयागराज रामबाग से चाकघाट बॉर्डर तक, महेवा डांडी और दांदोपुर, घोरपुर, गवहनिया, जारी, नारीबारी और चाकघाट तक दिन भर में 50 टाटा डग्गा मार चलती हैं, जो जरूरत से दोगुना, निर्धारित सवारी से दोगुना तीन गुना सवारी बैठाते हैं, खड़े खड़े सवारी ले जाते हैं, रेट से डबल रेट वसूल करते हैं। जो व्यक्ति विरोध करता है ज़्यादा सवारी बैठाने पर, या तो ज़्यादा फीस लेने पर, ज़्यादा किराया लेने पर, उससे गुंडेगर्दी से बात करते हैं, उसको रास्ते में उतार देते हैं, इस तरह बोलते हैं जैसे कि इनके कोई जड़ गुलाम गुलाम बैठा हुआ है, सभ्यता से बात नहीं करते। ड्राइवर खलासी ज़्यादातर कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो कि मैंने एक दो बार ये भी देखा है कि जो औरतें और महिलाएं जब सवारी भी पास गाड़ियों पर चढ़ते हैं तो कुछ लोग उससे छेड़खानी भी करते हैं। इन सब अराजकताओं से बचने के लिए मैं महोदय जी का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं और पुरजोर तरीके से क्षेत्र के लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि प्रयागराज से चाकघाट तक निर्धारित बसें चलाई जाएं, निर्धारित किराए हो जाए, जिसमें कि किसी से ज़्यादा या किसी से कम न लिया जाए, एक रेट रहेगा, एक किराया रहेगा, तो कोई विवाद नहीं हो पाएगा। आए दिन टाटा वालों से और जनता से किराए को लेकर विवाद होते रहते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस और RTO के शह पर ही ये गाड़ियां चल रही हैं। कम से कम 25-30 गाड़ियां इस रोड पर प्राइवेट टाटा डग्गा मार चलती हैं, जिन्हें सरकार तुरंत रोक लगाकर इस पर सरकारी व्यवस्था करें। यही मेरा आप मंत्री जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। अच्छा, जैसे यहाँ की पब्लिक का ये भी कहना है कि जो प्राइवेट टाटा हैं या जो प्राइवेट बसें यहाँ पे चल रही हैं, तो कहते हैं कि RTO में और लोकल पुलिस जो है इनको कुछ मंथली इन्हें कुछ दिया भी जाता है, तो इसमें आम पब्लिक की क्या राय है? क्योंकि हम लोगों ने बात किया, पता लगा जब कोई आदमी टाटा से कोई बात करता है, विरोध करता है, तो वो कहते हैं कि चाहिए जहाँ मर्जी वहाँ शिकायत कीजिए, हम लोग हर महीने उच्च अधिकारियों तक पैसा पहुंचाते हैं, कोई फ्री में नहीं चल रहे हैं। और रोड पर जितने भी थाना है और हर जगह हमारा महीना बंधा हुआ है, RTO का पैसा जाता है, ये आता, ऐसा वो लोग बयान देते हैं, ऐसा टाटा वाले कहते हैं। अब इसमें कितनी असलियत है, अब इसे न मैंने लेते देखा हूँ, उन्हें देते देखा हूँ, अब ये टाटा वाले कहते हैं ये वो बता सकते हैं। आपका पूरा फोकस ये है कि सभी 5 रूटों में गाड़ियाँ चलाई जा रही है, यही एक NH30 है जिस पर कोई भी सरकारी, मेरा यही कहना है कि जब प्रदेश के हर रोडों पर ये सरकारी व्यवस्था है,
मात्र केवल इस रोड पर टाटचारी प्रयागराज से दीवा रोड चाकघाट बॉर्डर तक यहाँ पर क्यों नहीं चलाया जा रहा? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की या प्रशासन की जो कि यहाँ पर टाटा नहीं चलाया जा, जो कि अन्य गाड़ियाँ सरकारी बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? हर जगह अच्छी बसें चल रही हैं, सरकार के पास गाड़ियाँ हैं और इन टट्टा डग्गा मार गाड़ियों से जनता को मुक्ति कराया जाए भाई। क्यों आदमी एक सीट पर दो सवारी, दो सीट पर तीन लोग, तीन सीट पर चार लोग, ज़्यादातर लोग खड़े खड़े, फिर भी किराया पूरा देना है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, जो नई बसें चली हैं आपकी पूरी बात है, जो भी आपकी पब्लिक की मांग है उस चीज़ को पूरा मंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा हमारे मीडिया के माध्यम से। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए और इस रोड पर जितनी जल्दी हो सके इन डग्गा मार टाटा से मुक्त करें और यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ चलाई जाए और उसका रेट निर्धारित हो, समय निर्धारित हो और स्थान निर्धारित हो। आप रामबाग में देखिए, सैकड़ों टाटा गाड़ियाँ रोड जाम करके खड़ी रहती हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। धन्यवाद।